गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं सुबह से उठ गई थी जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। हम लोग आज महामाया मंदिर रतनपुर जाने वाले थे, 6 बजे जाने वाले थे उठ के। लेकिन मैं तो उठ के रेडी, नहा धो के मतलब रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी जाने के लिए। लेकिन बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग जाने वाले थे वो सब लोग सोए हुए थे। सुबह से बोले थे कि 6 बजे जाएंगे, लेकिन कोई उठा नहीं था। तो फाइनली अब हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी होंगे। उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं डायरेक्ट मंदिर में। मंदिर दर्शन करने हैं, अभी पहुँचे नहीं। बी रास्ते हो रहा है। हाँ, अभी सस्ता होगा, मीठा भी होगा। यहाँ पे हम लोग वैन में बैठ के जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ते में ऑटो से उतर गया मंदिर की ओर। हम लोग प्रस्थान करेंगे, बाकी लोग पीछे की ओर चल रहे हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। कहाँ लोग करते हैं, ये रहा यहाँ का स्टार्टिंग। इतना 1 घंटा सफर तय करने के बाद रोक रोक के मैं जरूर कुछ बना रही हूं। ये यहाँ का खिलौना दुकान में कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी का सीज़न आने का यहाँ सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अभी के समय यहाँ पूरा खाली खाली रहता है, तो इजीली दर्शन करने को मिल जाता है। और नवरात्रि समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम खाली खाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लेना है, नहीं पता मेरे को। मान लो आपको क्या लेना है। मेरे को नारियल ले लो। देखो ना कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत सारा वैरायटी वैरायटी अंगूठी की वैरायटी है यहाँ पे। कमी नहीं है, हाँ एकदम चमक रहा है, एकदम अच्छा दिख रहा है सच में। मेरे को भी चाहिए, ये आते आते नहीं। अच्छा अच्छा किरिंग दिख रहा है, मैं वो देखी ना, हर एक कौन सा वाला है। यहाँ पे सिंदूर की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, सिंदूर की वैरायटी है पूरा। ये बंधन है, ये भी बंधन है, ये लाल है सिंदूर, ये भी सिंदूर, और ये माहौर कलर का सिंदूर है। तभी तो मैं बोली थी वहीं पर छोड़। अरे रख देते हैं, कुछ नहीं होगा। तो मिल जाएगा कैमरा में, ढूंढते जाएंगे। इतना अच्छा फोटो अलाउ नहीं है ना शायद मंदिर में। हम लोग एकदम अच्छे समय पे आए हैं, जब मंदिर बंद हो चुका है। 1 बजे आएंगे तो मंदिर बंद तो होगा ही। कितने बजे खुलता है? ये यहाँ का कुंड है जहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते। यहाँ पे हम लोग को जरूरत है अपने पाप धोने की, तो जिसको जिसको अपने पाप धोने, तो यहाँ पे कुंड में आके अपने पाप धो सकते हैं स्नान करके, सारे पाप एक बार में धुल जाएंगे। तो यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं साथ साथ। बहुत टाइम हो गया, भूख भी लग रहा है। पहले पता था इतना टाइम लगेगा तो मैं कुछ खा के आती। मंदिर 1 बजे खुलेगा, तो हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ये हो जाता है यहाँ पे मंदिर के लिए देख के लाइन लगा रहे हैं। फाइनली इतना ज्यादा भीड़ लगा है दर्शन करने के लिए। मेरे को तो लग रहा था कि शाम को खुलेगा करके। लाइन लगे रहो। यहाँ पे मैं अकेले लाइन में लगी हुई हूँ सबके बदले। भी तो है यहाँ लाइन, यहाँ पे कितनी लंबी कतार लगी हुई है लोगों की भीड़।
वैरायटी मिठाइयों की। ये मैंने ली अपने लिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसके बाद मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये हम लोगों ने खाने के लिए लिया है, अभी भूख लग रहा था, इसको खाने के बाद हम लोग लाइन उधर ख़त्म हो गई, उधर लाइन लगेंगे, पहले कुछ पेट पूजा कर लिया जाए उसके बाद फिर भगवान जी के दर्शन। अंदर में कुछ भी अलाउ नहीं है। ये रहे सब लोग, हम लोग। देवी की जय, बोलो माता रानी की जय। बोलो देवी मैया की जय। बोलो देवी मैया की जय। सब की जय। उसके बाद जाओ आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ है। मान है सबकी मूर्ति लगी हुई है। नहीं दिखा, चला दो और आरती कर दो। यहाँ लू क्या यहीं पे फोटो? बजरंग बली आर्ट। यहाँ से फोटो खिंचाने में बिजी सब अपना अपना। और आप क्या कर रहे हो? मैं नारियल बांध रही हूँ। ये मैडम नारियल बांधने में बिजी। चलो यहाँ प्रसाद लोगे क्या? अब हम लोग जा रहे मन्नत धागा जहाँ पे बांधते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ये मन्नत धागा का जगह है जहाँ पे मन्नत बांधा जाते हैं। यहाँ पे जिसका जो मन्नत रहता है अपना मन्नत का धागा या फिर पूरा नारियल सहित बांध के लटका दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, पूरा पेड़ है, कितना सारा बंधा हुआ है नारियल ही नारियल। और यहाँ पे ये कुंड, मैंने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं देवी माँ के। तो अब भूख लग रहा है, तब कुछ खाएंगे सोच रहे हैं, तो गार्डन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ का गार्डन, चलो दो मिनट में बैठते हैं। हम तो पहली बार आएगा। अब हम लोग जा रहे हैं किसी को डिस्टर्ब करने के लिए। किसको जा रहे डिस्टर्ब करने के लिए? सामने जो कपड़िया है। ये सोन पापड़ी कितने वाला है? पचास में।